स्ट्रेटजी ही जाननी है और हम ये बताना चाहते हैं, अभी इसके पहले हम आप ही लोग के बीच में बैठे थे, जो जो डिलेमा आप लोग फेस कर रहे हैं डेली लाइफ में, टेस्ट में, पढ़ाई करने में, वर्किंग की कितना स्टडी आर होना चाहिए, ये सारा डिलेमा फेस किया हुआ है जो हम आपको कंसाइज में बता रहे हैं, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। जैसा कि अभी सुनिष्ठा जी ने बताया कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते, आप जरूर देखिए। ऐसा ज़रूरी नहीं, हम लोग जब शुरू करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि 20-25 साल का लगा लेते हैं, नहीं, आप 10 साल का भी PYQ लगाइए, 5 साल का भी लगाइए उसको, लेकिन आप एग्जॉस्टिवली उसको स्टडी करिए, ये आपको प्री के लिए बहुत हेल्प करेगा। दूसरी चीज़, मेंस के लिए जब आप तैयारी कर रहे हैं आप प्लीज़ सिलेबस जरूर देख के जाइए। सिलेबस जब आप मेंस की प्रिपरेशन शुरू करते हैं, हम लोग के पास इतना ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है ना, हम लोग सोचते हैं ये भी पढ़ लेते हैं वो भी पढ़ लेते हैं, और इतना इस टाइम डाइवर्जन इतना ज़्यादा हम लोग के पास हो जाता है कि एक टॉपिक खोलो उसको लेके फिर उससे रिलेटेड और टॉपिक नज़र आते हैं और हम लोग अपना 2-3 घंटा वेस्ट कर देते हैं। बजाय इसके आप ऐसा करो, आप सिलेबस प्रिंट करा के लेके बैठो, जो मैंने किया था। ऑनेस्टली मेरी स्ट्रेटजी यही थी कि सिलेबस आप 6 के 6 सब्जेक्ट जो हैं GS 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनके सिलेबस आप बहुत छोटे पेपर्स में लेके बैठो, 4 पेज में 5 पेज में प्रिंट करा लो, अंडरलाइन करो, एक टर्म अंडरलाइन करो, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन देखो, आपको कंपाइलेशन मिल जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ पे, वो बहुत सारी नोटबुक्स होती हैं उनमें आप देखिए कि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। थोड़ा टाइम लगता है ये काम करने में कि आप एक टर्म देख रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन नोट कर रहे हो, ये इतना आपको करना पड़ेगा, बेस वर्क में टाइम लगेगा, लेकिन एक बार आपका बेस वर्क हो गया उसके बाद बस आपको काम करना है उस चीज़ पे। बिना सिलेबस देखे आप मेंस की स्ट्रेटजी नहीं करो, वो मेंस का तैयारी मत करो। जब इससे करेंगे ना, हम ऑनेस्टली बता रहे हैं, मेंस के बाहर से कुछ भी नहीं आता, इस सिलेबस के बाहर से मेंस में जो एक एक टर्म आप देख लीजिए। और हम लोग के दिमाग में ज़्यादातर कन्फ्यूजन ये रहता है कि न्यूज़पेपर में इतना सारा करंट अफेयर चल रहा है, कहीं से आ गया तो क्या करेंगे, वो ऑनेस्टली आप मैच कराओगे आपका सिलेबस में से रहेगा। फिर इंटरव्यू का क्या है, न्यूज़पेपर को आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। ऐसा लोग बोलते हैं कि स्टेट पब्लिक जो कमीशंस होते हैं उनमें न्यूज़पेपर्स का इतना रोल नहीं होता है, बिल्कुल होता है। जब आपका कंपटीशन इतना ज़्यादा है, 150 सीटें 250 सीटें आ रही हैं और उसमें 4-4, 5-5 हज़ार लोगों को बुलाया जा रहा है, सारे ही एलिजिबल हैं लगभग, मेंस में लगभग सबके नंबर सेम ही होंगे, आप वहाँ पे मार्जिन कैसे एक्वायर करोगे, आप अपना नॉलेज का शो ऑफ करके एक्वायर करोगे, नॉलेज कहाँ से आएगी आपको, किताबें जो बेसिक हैं वो सबने पढ़ी हुई हैं, लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर, मैगजीन, करंट अफेयर्स ये सब फॉलो करोगे वहाँ आपको अपना प्लस पॉइंट दिखाने का मौका मिलता है। आपको समझ में आ रहा है, यही सारी बातें हैं। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, इसके पहले 2 अटेम्प्ट मैंने दिए हुए थे, मेरा प्री ही क्वालिफाई नहीं हो रहा था। तो जब प्री, हम ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जब प्री नहीं निकल रहा था ना, तो मुझे पता था मेरी गलती कहाँ है। हम लोग एज ए कैंडिडेट, एज ए स्टूडेंट, हमें पता होता है कि जब पेपर दे रहे होते हैं और जो क्वेश्चन छूटा होता है याद रहता है दिमाग में कि ये क्वेश्चन आ रहा था, थोड़ा सा पढ़ लिए होते तो शायद अभी करके आ रहे होते, ये सारी चीज़ें हम लोग को पता होती हैं। बस यहाँ पे क्या काम करना है आपको, उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना कि हटा दें ठीक है देखा जाएगा अगली बार, नहीं आप ऐसा नहीं करो, आप देखो कि वही टॉपिक नहीं तैयार था उसी को जाके पढ़ लो, सबसे पहले ये पढ़ लो आप। जहाँ पे आप अपनी गलतियों पे जब काम करोगे ना, बहुत ज़्यादा नहीं करना होता है ऑनेस्टली, सिर्फ उतना करना होता है जो हम लोग को करना होता है, वो हम लोग को पता होता है, सच में पता होता है कि यहाँ पे काम करना है हम लोगों को, वो हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि यार बाद में कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, तो बिना स्ट्रैटेजी के तो नहीं होगा। जिस हिसाब से कॉम्पिटिशन है ना, अगर आप एलिजिबल भी हो लेकिन अगर आप प्लान्ड वे में काम नहीं कर रहे हो तब तो नहीं हो पाएगा। और एक लास्ट बात हम बोलना चाहेंगे कि ये सफ़र इतना लंबा होता है तैयारी का कि आपको किसी न किसी की गाइडेंस चाहिए होती है, वो गाइडेंस अगर आपको टीचर्स के रूप में मिल रही है या फ्रेंड्स के रूप में मिल रही है, आप एकदम ओपन हार्ट होके उनसे बात करो। कब बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग बहुत करीब होते हैं सिलेक्शन के, लेकिन वहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस नहीं आता, इतनी घबराहट में हम लोग रहते हैं ना कि आप अगर यहाँ आके नहीं हुआ तब क्या करेंगे, सबकी उम्मीदें बढ़ गई हैं मेरे से, आप उस टाइम पे अपने टीचर्स से बात करो। ऑनेस्टली बता रहे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहा टीचर्स से बात करने से, क्योंकि उन्हें बहुत एक्सपीरियंस है, वो इतना लोड कम हो जाता है ना, और जब आप इंटरव्यू में अपने आप को प्रेजेंट करते हो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप जाते हो। बस इतनी सी बात से हम अपनी बात खत्म करना चाहेंगे।